मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, मारूफ और मुनकर, सबसे बड़ा मारूफ अल्लाह की तौहीद है, सबसे बड़ा मुनकर अल्लाह ताला के साथ शिर्क और कुफ्र है। इसके दरमियान बहुत से मारूफ हैं, बहुत सी भलाइयां हैं, बहुत से गुनाह के काम हैं। भलाइयों का हुक्म देना चाहिए, बुराइयों से रोकना चाहिए। इस बात को बंदा अपने जहन में रखे कि अल्लाह ताला ने उसे पैदा किस लिए किया। कुंतुम खैरा उम्मा उखरियत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि भलाइयों का हुक्म दो, बुराइयों से रोकते रहो। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, सबसे पहली चीज, सबसे पहला वाजिब इंसान का अपना नफ्स, इंसान की अपनी जात है, वो अपने आप को भलाइयों का हुक्म दे, अपने आप को भलाइयों पर लगाए रखे, अपने आप को बुराइयों से रोके रखे, गुनाह के कामों से रोके रखे। अल्लाह ताला ने उन लोगों को, अल्लाह ताला ने उन लोगों को जिनके पास अल्लाह ने इल्म दे दिया, फहम दे दी, समझ दे दी, मालूमात दे दी, लेकिन वो खुद अमल नहीं करते हैं, अल्लाह ने उनकी बड़ी सख्त तंबीह करते हुए कहा, अतअमुरुन्नास बिलबिर व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम तत्लूनल किताब अफला ताकिलून। लोगों को तुम अच्छी बातें तो करो, लोगों के सामने अच्छी अच्छी बातें सुनाओ, लेकिन खुद अमल ना करो, अपने आप को भूल जाओ। जबकि तुम अल्लाह की किताब रखते हो अपने पास, उसकी तिलावत करते हो, क्या तुम्हें अकल नहीं है? क्या तुम समझते नहीं हो? इस आयत में अल्लाह ताला ने इंसान पर इनकार करते हुए कहा कि दूसरों को भलाई का हुक्म दे, खुद भूल जाए, खुद ना करे, दूसरों को भली भली नसीहतें करे, अपने आप को भूल जाए। ये बेअकली की बात है, ये बेवकूफी की बात है। बल्कि एक और जगह अल्लाह ने मजीद सख्ती बयान करते हुए कहा, कबूरा मक्तन इंदल्लाह अन तकूलू मा ला तफअलून। ये अल्लाह को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात है कि तुम कहो जो खुद ना करो, दूसरों को बताओ खुद अमल ना करो। ये अल्लाह को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात है। तो सबसे पहले अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का मुखातब अगर कोई है तो इंसान का अपना आपा, उसकी अपनी जिंदगी, उसकी अपनी जबान, उसके अपने अखलाक, उसके अपने आदत अतवार, उसका अपना मुकम्मल, उसकी मुकम्मल जिंदगी सबसे पहले मुखातब है कि वह अपने आप को सबसे पहले सुधारे, अपने आप को भलाइयों पर लगाए, बुराइयों से अपने आप को रोकने की कोशिश करे, अपने आप को रोके रखे। और मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, ये बुराइयां कभी अपने घर पे होती हैं, कभी घर से बाहर होती हैं। और इंसान की ताकतें अपने घर पे और अपने घर से बाहर मुख्तलिफ होती हैं। अगर आप जिम्मेदार हैं, आपके अपने बीवी बच्चे हैं, आपके अपने भाई बहन हैं, या आप जिम्मेदार घर पे ना हो लेकिन आपके अपने कुछ मातहत जरूर हैं। हर किसी के मातहत कोई ना कोई जरूर होता है। घर का छोटा बच्चा क्यों ना हो, उसका छोटा भाई उसका अपना मातहत हो सकता है। हर कोई अपने से कमतर, जो रिश्ते के एतबार से, मंजिलत और मर्तबे के एतबार से, ताकत और कुव्वत के एतबार से, कई एतबार से अपने से छोटा हो, तो ऐसी सूरत में याद रखे सबसे पहली जिम्मेदारी बड़ों की बनती है कि वो अपने घर पर होने वाले मुनकरात का इनकार करें, गलत चीजों को रोकें। अगर वो न रोकते हो, खामोशी इख्तियार करते हो, देख करके अनदेखी करते हो, आंख बंद करके निकल जाते हो, तो ऐसी सूरत में वो तमाम के तमाम भी जो अगरचे गुनाह न करते हो, उस गुनाह में मुकम्मल शामिल हैं। जैसा कि अबू दाऊद की रिवायत में आता है कि अगर कोई इंसान किसी जगह गुनाह हो रहा हो, वहां मौजूद हो, वहां मौजूद हो, उसका इनकार करे, तो उसका होना ना होना दोनों बराबर है, गुनाह से अल्लाह ताला उसे पाक कर देंगे। और अगर कोई इंसान किसी गुनाह की जगह ना हो लेकिन गुनाह को पसंद करता हो, गुनाह के इल्म के होने पर उसको दिल में बुरा ना जाने, वो वहां ना होते हुए भी गुनाह में उनके बराबर शरीक है। तो मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अगर घर पे कोई बुराई होती हो, आप अगर वहां पर हो, न रोकें, आप भी बराबर के गुनाह में शरीक होंगे, अल्लाह के पास आपकी भी पकड़ होगी। या आप वहां पर ना हो लेकिन आपको
आपको पता चले कि आपके घर पे फुला काम होते हैं, फुला गलतियां होती हैं, फुला मुनकर होते हैं, फुला बुराइयां की जाती हैं, आपको पता हो, पता होने के बावजूद आप खामोश रह जाएं या उससे रजामंदी का इजहार करें या उसकी तरफ तवज्जो न करें, तो ये तमाम चीजें याद रखें आपको भी गुनाह में शामिल कर देती हैं। अगरचे कि आप अपना दामन झाड़ करके वहां से निकल जाएं, याद रखें अल्लाह ताला ने हर एक को अपनी ताकत के हिसाब से उस पर इस फरीजे को वाजिब करार दिया है। जिस इंसान को अल्लाह ने हाथ से रोकने की ताकत दी हो, जैसे घर के बड़े को इस बात की ताकत है कि अपने घर वालों को अपने हाथ से रोक सके, घर के बड़े को इस बात की ताकत है कि अपने घर वालों को अपनी बुराई से रोक सके, या हुकूमत को अल्लाह ने ताकत दी है कि अपनी रियाया को, अपने मातहतों को अपने हाथ से अपनी ताकत का इस्तेमाल करके रोक सके, अगर वो इस दर्जे से उतर करके किस जबान पे आ जाए जहां पर आपको हाथ से रोकने की ताकत हो, सिर्फ जबान से कहकर निकल जाए, जहां पर आपको जबान से कहने की ताकत हो वहां पर आप दिल में बुरा जान के निकल जाए, तो ये चीज आपको इस धोखे में ना रखे कि आप अजाब से बरी हो जाएंगे, आप अल्लाह की पकड़ से बरी हो जाएंगे। अल्लाह ताला हर एक की कुव्वत को, सलाहियत को, ताकत को, हैसियत को पहचानता है कि कौन किस हद तक मुनकर का इनकार कर सकता है, कौन हाथ से रोक सकता है, कौन जबान से रोक सकता है, और कौन मजबूर है कि दिल में सिर्फ बुरा जान ले। मुअज्जज़ हाज़रीन, हम में से हर किसी की जिम्मेदारी है कि हम अपने माहौल को दुरुस्त करने की कोशिश करें, अपने आप को सबसे पहले दुरुस्त करें, अपने माहौल को, अपने घर बार को दुरुस्त करें, जिन लोगों के साथ उठना बैठना हो उनके दरमियान अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर इस फरीजे को अंजाम देते रहें, तब जाकर के हम अल्लाह के सही मानों में खैर उम्मत के लकब के मुस्तहिक हो सकते हैं। वरना अल्लाह के यहां बड़ी सख्त पकड़ है, अल्लाह ने जिम्मेदारी डाल दी, अल्लाह ने हम पर फर्ज कर दिया कि जहां कहीं बुराइयां देखो अपने हाथ से, अपनी जबान से रोको, या कम से कम अपने दिल में बुरा जरूर जानते रहो।